हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिलीजेंट एसिस्टेंट यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अभी जस्ट में शाम का टाइम है, आपको बैकग्राउंड नॉइस वॉइस आ रही होगी, हवा आ रही होगी, सारी चीज़ों के लिए मुझे माफ़ करना है क्योंकि जो माइक है वो मेरे फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो रहा है। और ये वीडियो बनाना बहुत अर्जेंट था मेरे लिए क्योंकि ये बहुत डिफरेंट वीडियो है और मैं बहुत दिन से चाहती थी ऐसी एक वीडियो करने की या ऐसा कुछ करने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन जो ये स्पेशल ओकेजन है इसके ऊपर फिर मैंने फाइनली सोचा कि हाँ, आज तो इस चीज़ को कर ही देते हैं। अभी जस्ट मैं ग्राउंड से आई थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कआउट भी करती थी मैं शाम को, आज मैं वो भी स्किप करके फटाफट से बस चेंज करके और ऊपर आई हूँ अभी ये वीडियो बनाने के लिए। सुबह सुबह मैं इसको अपलोड करूँगी। तो जो ओकेजन है, सबसे पहले तो मैं वो बताती हूँ आपको कि शायद बहुत ही कम लोगों को आइडिया होगा, कुछ ही लोगों को आई गेस आइडिया होगा कि क्या ओकेजन है। मैं खुद ही अनाउंस कर देती हूँ कि 11 तारीख को, 11 अगस्त 2022 को मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था डिलीजेंट एसिस्टेंट, और हमारी 11 तारीख को 2 दिन के बाद हमारी फैमिली 1 साल की हो जाएगी। 1 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, कुछ लोग बाद में जुड़े होंगे, कुछ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, और 1 साल का ये यूट्यूब चैनल भी जो जिसको आप एक बोल सकते हो एक फैमिली की तरह हम सब लोग मिलके नर्चर कर रहे हैं। लाइक शेयर आप कर रहे हो, सपोर्ट आप कर रहे हो, कंटेंट मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि दी बेस्ट प्रोवाइड करवा पाऊँ आपको। तो इसके इतने बड़े ओकेजन के ऊपर मैं कुछ बहुत ही स्पेशल करने की मेरी इच्छा थी और वही मैं करने जा रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत बार मेरे से स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या मुझे इस चीज़ की नीड है, मुझे उस चीज़ की नीड है, लेकिन आप ऐसे ही रेंडमली हर रोज़ नहीं कर पाते हो या फिर बहुत बार लिमिटेशंस होती हैं आपकी भी। अभी भी जो मैं ये चीज़ करने जा रही हूँ इसके लिए मैं गारंटी दे सकती हूँ कि मेरे 2 दिन पूरे के पूरे लगने वाले हैं, लेकिन मैंने हाँ वो चीज़ आप लोगों के लिए स्पेशली निकाली है कि हाँ इतना बड़ा ओकेजन है तो मैं करती हूँ इस चीज़ को। तो अभी जो चीज़ है वो अनाउंसमेंट जो है वो सुन लो एक बार मेरी तरफ से। जितने भी लोग में से डिमांड करते थे कि हमें टेस्ट पास चाहिए, सबको टेस्ट पास मिलेगा, जितने लोग में से बुक्स की डिमांड करते थे, तो बुक्स भी मैं आप लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। सबको नहीं, जो टेस्ट पास है 11 लोगों को मैंने सोचा है, 11 लोगों को टेस्ट बुक का जो पास प्रो है, जो आपका पास प्रो वाला वर्जन है जिसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड होते हैं, वो वाला टेस्ट पास मैं 11 लोगों को दूंगी जो 11 लकी विनर्स होंगे। उसके बाद में बुक्स का भी सुन लो, पहले टेस्ट बुक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। टेस्ट बुक के ऊपर सारे प्रीवियस ईयर के न्यू और बहुत सारे टेस्ट आपको एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ अमाउंट के अंदर आपको ईयरली इनका पास मिल जाता है, उसके अंदर आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो, कोई भी है इंडिया के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, सबके एग्ज़ाम एक साथ में ही मिल जाते हैं, सबके मॉक टेस्ट एक साथ में ही मिल जाते हैं, सारे प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो जिन लोगों को मिल जाए वेल एंड गुड है, जिनको ना मिले वो अपनी तरफ से परचेज करके अपनी जो प्रैक्टिस है वो तो करते ही रहना है। इसके साथ साथ में एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, इसके लिए मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैंने प्लान किया है कि मैं 40 बुक्स का गिव अवे करूँगी। 40 बुक्स में कौन कौन सी बुक्स होंगी सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। 4 सेट होंगे, 4 सेट के अंदर वो बुक मैं एक एक हर एस्पिरेंट को अलग अलग दूंगी, सबको एक बुक नहीं दूंगी। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और GS, जो 4 बुक हैं किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसके अंदर TCS का सारा कंपाइलेशन दिया हुआ है, और लगभग हर वीडियो में ही मैं आपको रिकमेंड करती हूँगी कि हाँ ये वाली बुक आप ले लेना, ये वाली बुक ले लेना। तो जिन भी लोगों का ऐसा नहीं था कि फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी वो ले पाए, उन लोगों के लिए ये है। 4 बुक है वो टोटल, और टोटल हो गई वो 16 बुक वो हो गई। एक एक एस्पिरेंट को अलग अलग दूंगी किसको उसका थोड़ा सा आगे बताती हूँ एक बार, बाकी जो बुक्स हैं उनका और मैं बता देती हूँ। 10 बुक होंगी, 10 सेट्स होंगे जो आपके दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए सेट्स हैं। आपके बुक्स के जो फोटोज़ होंगे वो मैं स्क्रीन के ऊपर भी ऐड कर दूंगी। दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए जो आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं वो 10 मैं गिव अवे करूंगी। जो भी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, प्लीज़ वो लोग ही इन बुक्स को लेना, वो लोग ही आगे जो मैं बताऊँ वो करना सारी चीज़ें। उसके साथ साथ में 10 ही प्रीवियस ईयर के जो उनके प्रैक्टिस सेट्स हैं आपके, वो मैं गिव अवे करूँगी SSC CPO के लिए, क्योंकि CPO के भी एस्पिरेंट मेरे साथ में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और आपका एग्ज़ाम भी रिसेंटली आने वाला है। तो 10 आपके CPO के हो गए हैं, 10 आपके दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के हो गए हैं, और 16 बुक 4-4 करके सारी वो हो गई हैं, और 11 आपके जो प्रीवियस ईयर के नहीं, 11 आपके टेस्ट बुक के पास हो गए हैं। इतनी चीज़ें मैं गिव अवे करने वाली हूँ। इससे एडिशनल भी एक
बहुत बड़ी चीज़ है जिसका अनाउंसमेंट मैं 11 तारीख को ही करूँगी। वो सब के लिए मैं कोशिश करूँगी कि वो मैं सबको प्रोवाइड करवा पाऊँ जो भी उस वीडियो को देखेगा। उसके लिए मुझे बहुत कुछ अपना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, बहुत कुछ मेरा जा रहा है उस चीज़ के अंदर, तो अभी प्लानिंग के अंदर है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जो बड़ा सरप्राइज़ है वो मैं 11 तारीख को ही रिवील करूँ। तो अभी मैंने बता दिया मैं आप लोगों को क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, कैसे आप लोगों को मिलेगा, उसकी क्लियरिटी एक बार मैं दे देती हूँ। जो टेक्स्ट बुक का पास मिलेगा वो मैं आप लोगों को एक आप लोगों का जो उसके लिए लकी विनर्स होंगे उनको मैं परचेज करके दे दूँगी। और जो बुक्स होंगी वो मैं एक एक एस्पिरेंट के घर पे कुरियर करूँगी पर्सनली। आपसे कुरियर का भी कोई चार्जेस नहीं होगा, कहीं कोई फेक ग्रुप बना के कहीं से आपके से कुछ ले कुछ दे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने आप सब कुछ पे करूँगी, जो कुरियर के चार्जेस हैं वो भी मैं खुद ही करूँगी, कुरियर भी मैं खुद ही करूँगी। तो जितनी बुक्स होंगी वो आप लोगों के घर पे डिलीवर हो जाएंगी। जब भी जितना भी टाइम उस प्रोसेस के अंदर लगेगा वो सारी अपडेट्स जो भी लकी विनर होंगे उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे या ईमेल के थ्रू जो भी मैं डिसाइड करूँगी आपकी हो जाएगी। तो अभी आप लोगों को करना क्या है, कैसे मैं डिसाइड करूँगी कि किसको ये बुक्स मिलेंगी, किसको टेस्ट पास मिलेगा। जिस भी एस्पिरेंट को, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जिसको भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट लिखो कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, किस वजह से आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करूं। आप लोगों का रीज़न अगर मुझे जेन्युइन लगेगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करूंगी। और एक और मेरे हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से विनती है कि प्लीज़ डेकोरम बनाए रखना। जिन भी लोगों को मैं सेलेक्ट करूँ मैं अपनी तरफ से दी बेस्ट कोशिश करूँगी कि दी बेस्ट जो एस्पिरेंट्स हो उनको मैं सेलेक्ट कर पाऊँ। तो जिन लोगों को ना मिल पाए, बहुत सारे लोगों को, वैसे जो हिसार का मीटअप हुआ था गाड़ी भर के मैं उसके अंदर गई थी बुक्स लेके, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी मैंने। जो दिल्ली का मीटअप हुआ था उसके अंदर भी 250-300 बुक्स में डिस्ट्रीब्यूट करके आई थी, वहाँ पे भी गाड़ी भर के गई थी मैं। तो बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी मिल चुकी हैं, लेकिन जिन लोगों से मैं फिजिकली नहीं मिल पाती हूँ उन लोगों के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन है, या जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्लीज़ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी कंडीशन है, वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं एक एक कमेंट को पढ़ूंगी। आप लोगों के पास 2 दिन का टाइम है, 11 तारीख को सुबह मैं अनाउंसमेंट करूंगी कि किस किस लोगों को कौन सी चीज़ मिलने वाली है। जिसको टेस्ट पास चाहिए वो टेस्ट पास से रिलेटेड लिखना, जिसको जो बुक चाहिए उससे रिलेटेड लिखना। सारे लोग ऐसा मत करना कि एक ही को सारी चीज़ें चाहिए कि मुझे टेस्ट पास भी दे दो, ये बुक भी दे दो, वो बुक भी दे दो, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक जो हेल्प है वो अपनी रीच आउट कर पाऊँ। तो इसलिए कोशिश करना कि सारे लोग अपने डेकोरम को बनाते हुए अपना जो कमेंट्स हैं वो करना। बाकी मेरी तरफ से जो भी हेल्प होगी आगे भी फ्यूचर में मैं करती रहूँगी। और 11 तारीख वाले सरप्राइज़ का तो आप लोगों को वेट होगा ही, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उसको रिवील करने के लिए। तो अभी इस वीडियो में आई गेस इतना ही है, बाकी अंधेरा होने लग गया है पीछे, तो जल्दी से चलते हैं। मैं भी नीचे जाती हूँ, खाना खाती हूँ, डिनर भी करना है मुझे। आप सभी लोग अपनी वीडियो के कमेंट कर देना और उसके साथ साथ में वीडियो को शेयर कर देना। बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई आपकी ये नहीं चाहिए कि आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तभी मैं इस वीडियो के अंदर आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं भी हो तो भी आप लोगों को अगर ज़रूरत है, आपके जो कमेंट है वो मुझे जेन्युइन लगा, तो आपको वो चीज़ डिलीवर होगी। शेयर सिर्फ इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि कोई और ऐसा नीडी एस्पिरेंट ना बच जाए जिसको इस चीज़ की ज़रूरत थी और वो इस चीज़ से वंचित रह गया। तो इसलिए अगर हो पाए तो प्लीज़ जो स्टडी ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर कर देना। आई गेस ये बहुत बड़ा गिव अवे होने वाला है, रेयरली ही किसी ने किया होगा इतना बड़ा गिव अवे। तो मेरे भी बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, तो उस चीज़ की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करना, और थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते हुए डेकोरम बनाए हुए अपने कमेंट्स करना। आप लोगों का इतना प्यार रहा है, इतना सपोर्ट रहा है, तो इस चीज़ के लिए मैं भी चाहती थी कि कुछ मैं अपनी तरफ से कर पाऊँ आप लोगों के लिए। फाइनली वो होने जा रहा है और अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी बहुत अच्छे से बनाएंगे। अपनी फैमिली 1 साल की हो गई है, तो सभी लोगों को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बाकी मिलते रहेंगे आगे भी वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।